2014 से केंद्र की सत्ता में बीजेपी की मोदी सरकार आई है, तब से पूरे देश में विभिन्न प्रकार की योजना और अभियानों की तो मानो बाढ़ ही आ गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, कौशल विकास योजना आदि। जब किसी पार्टी से चुनाव हुआ, कोई नेता देश की कमान संभाले अर्थात प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे, तो भला उस संबंधित पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभियान चलाने में पीछे कैसे रह सकते हैं। इसी क्रम में बीजेपी द्वारा भी एक अभियान चलाया, हर हर मोदी घर घर मोदी। शायद बीजेपी के इसी अभियान से प्रेरित होकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक अभियान चलाया है, हर घर तिरंगा। निश्चित तौर पर इस प्रकार के अभियान देश भर में समय समय पर चलाने चाहिए। इससे समस्त देशवासियों और देश के युवाओं के बीच राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ती है। लेकिन इस अभियान में ऐसा मोड़ आया है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जलित आवाज। जी हां साथियों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी राष्ट्रभक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि लगता है वो देश के संविधान और नियम कायदों को ही भूल गए हों। आपको बता दें कि हर घर झंडा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर बदली है और समस्त देशवासियों से भी अपनी अपनी प्रोफाइल बदलने के लिए आग्रह किया है। बस इसी प्रोफाइल के चलते और इसी प्रोफाइल के चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी के फजीयत हो गई। ऐसा क्या है इस प्रोफाइल में जो मोदी कटघरे में? कौन है वो लोग इस प्रोफाइल को लेकर मोदी को कटघरे में घसीट रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा जा रहा है, हम आपको बारी बारी से विस्तार से ये सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रोफाइल चेंज करने का विवाद क्या है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देश के नागरिकों को 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने को केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है और देश भर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केंद्र सरकार संस्कृति मंत्रालय ने तमाम राज्यों और व्यापारिक संगठनों से तिरंगा अभियान में भागीदारी के लिए संपर्क किया है। इसी अभियान में कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर बदल दी। ऐसा क्या है इन प्रोफाइल पिक्चर्स में जो मोदी कटघरे में? आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा की जो तस्वीर लगाई है वह गोल है, बस यहीं से विवाद की स्थिति बनी है और देश के कई बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री मोदी पर कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि हमारे देश के संविधान में हमारे राष्ट्रीय ध्वज के कुछ नियम हैं। इन नियमों के तहत ही राष्ट्रीय झंडे तिरंगे का उपयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। इस नियम के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को आयताकार आकार में ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए। तिरंगा के आकार में छेड़छाड़ कर उपयोग करना देश के संविधान के अनुसार गैर कानूनी है। बस यही वजह है कि मोदी द्वारा प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगाने की, क्योंकि मोदी जी ने प्रोफाइल में जो पिक्चर लगाई है वह गोल है, जबकि नियमानुसार झंडे का आकार आयताकार ही होना चाहिए। साथियों, तो ये तो हो गई वो बातें कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी विवादों में क्यों आए। अब बात करते हैं कि इस वक्त आखिर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और तिरंगा को लेकर, जो हर घर तिरंगा अभियान है उसको लेकर क्या चल रहा है, ये भी हम जान लेते हैं। साथ ही आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि देश अनपढ़ और भड़बड़िया लोगों के हाथ में चला गया है। भारत सरकार के फ्लैग कोड के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज आयताकार ही हो सकता है, गोल या तिकोना नहीं।
गलती करने पर सजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान और कानूनों के बारे में कोचिंग लेनी चाहिए, मैं अपनी सेवाएं दे सकता हूं। इस ट्वीट में प्रोफेसर दिलीप मंडल जी ने मोदी द्वारा लगाई गई प्रोफाइल फोटो और राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम के फोटो भी अपलोड किए हैं, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा, झंडे की लंबाई और चौड़ाई अथवा ऊंचाई का आकार 3:2 होगा। इसके अलावा इस ट्वीट के कमेंट में 2 कमेंट करके दिलीप मंडल जी ने आगे लिखा है कि गरीब स्टूडेंट को मैं डिस्काउंट देता हूं, इतना ही शौक है झंडे की टीपी बनाने का तो ये तरीका अपनाते, या सोशल मीडिया कंपनियों को ही कोई उपाय सुझाने को बोलते। इस ट्वीट के कमेंट में दिनेश यादव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि सर आप भी क्या बात लेकर बैठ गए, आप उनकी ईगो हर्ट कर रहे हैं, अगर वो अपनी ईगो में आ गए तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का आकार गोल करवा देंगे। एक और ट्विटर यूजर बेरोजगार युवा नामक यूजर ने लिखा है कि नारंगियों को क्या पता तिरंगा के बारे में, जो 53 साल तक अपने ऑफिस पर न फहराए हो, #चंडीगढ़। वही साथी आपको बता दें, एक और ट्विटर यूजर शिवराज केसरिया ने लिखा है कि क्योंकि आरएसएस बीजेपी का मकसद है भगवे को राष्ट्र ध्वज बनाना, इसलिए ये लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, ये लोग तो आजादी के वक्त ही तिरंगे के बदले भगवा चाहते थे। इतना ही नहीं साथियों, महिमा राम भार्गव ने लिखा है कि सर जी जिनके पूर्वज तिरंगे और संविधान आजादी के बाद से ही विरोध कर रहे हो, उनसे तिरंगे पर तर्क करना न्याय संगत नहीं होगा। सनद रहे मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं, संघ ने ही तिरंगे और संविधान का विरोध किया है। साथियों यह थे वह तथ्य जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर आड़े हाथ लिया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हकीकत में किसी देश के प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह का लिया गया निर्णय देश की अखंडता, राष्ट्रीयता और संविधान के प्रति जागरूकता का परिचय देता है? मेरी व्यक्तिगत राय है कि यह बात सच है कि अधिकतर सोशल मीडिया साइट पर प्रोफाइल में वर्गाकार फोटो ही लगते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि किसी सोशल मीडिया साइट के लिए हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के आकार में ही छेड़छाड़ कर दें। हमारी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रभक्ति और ताकत तो तब सामने आती जब आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अपनी ताकत के बल पर कम से कम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2-3 दिन के लिए विभिन्न सोशल मीडिया साइट की प्रोफाइल साइज को बदलवा कर वर्गाकार से आयताकार करवा देते, न कि अपने जान से प्यारे तिरंगे के आकार को बदलते। फिलहाल आप इस पूरे विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।